हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ सिद्धार्थ। तो मैं एक बहुत अच्छी शॉर्ट कंसेप्ट की वीडियो फिर से आपके सामने लेके आ चुका हूँ। जैसे हम क्वांटम इफेक्ट पढ़ते हैं, हम उसमें देखते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन आपका फोटोन से टकराता है और फोटोन आपका स्कैटर हो जाता है लार्जर वेवलेंथ के साथ। बट वहां पे आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, और कई स्टूडेंट अच्छे पूछते भी हैं कि सर ये इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर ले रहा है। तो एक बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे मैथमेटिकल तरीके से कि ये प्रोसेस क्यों नहीं हो रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर पाता है, इस चीज को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो शॉर्ट होने वाला है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। तो हम शॉर्ट वीडियो अपना स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, दिस इज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, राइट। फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स दिस इज नॉट बाउंड, इट इज नॉट बाउंड, इट इज फ्री फॉर ऑल टाइप ऑफ इंट्रैक्शंस, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एब्जॉर्ब क्यों नहीं, बिकॉज हम क्वांटम इफेक्ट पढ़ते हैं, उसमें तो स्कैटर हो जाता है फोटॉन लार्जर वेवलेंथ के साथ, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक मूड में क्वेश्चन आना चाहिए ना कि सर इसको एब्जॉर्ब भी कर लेना चाहिए। चलो अब देखते हैं ऐसा क्यों नहीं होता है। अब देखो हम इसको किस तरह से करेंगे, बहुत अच्छी तरह से आपके सामने मैथमेटिकल तरीके से इसको पेश करेंगे कि ये प्रोसेस पॉसिबल क्यों नहीं है। हम मान लेते हैं, एक पल को हम मान लेते हैं कि चलो ये कोलिजन हुआ, इसके बाद ये एब्जॉर्बेशन हो गया इसका और अब्जॉर्ब फोटॉन इस तरह से हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, राइट। ये बिफोर कोलिजन है, ठीक है, और ये आफ्टर। हमने मान लिया कि एब्जॉर्प्शन हमने माना अपनी तरफ से। अब हम इसमें अगर कंजर्वेशन लॉस वगैरह होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, राइट। अब अगर वो चीजें पॉसिबल है, अगर ये प्रोसेस पॉसिबल है, तो कंजर्वेशन लॉ अच्छे से होल्ड करना चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अगर कंजर्वेशन लॉ होल्ड नहीं कर रहा, दैट मीन्स प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज कंजर्वेशन लॉस पे तो हम शक कर नहीं सकते, दैट इज द फंडामेंटल थिंग्स, राइट। तो अगर कंजर्वेशन लॉ होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये प्रोसेस जो हमने मानी है वो अच्छे से वैलिड है। अगर कहीं पे भी दिक्कत आएगी तो ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। चलो चेक करते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं। अब आपका ये फोटोन है, इसका अगर मैं कलर चेंज करूं, हमें पता है फोटोन का इनिशियल मोमेंटम मान लेते हैं क्या हो सकता है, फोटोन की एनर्जी आपकी इनिशियली होगी दैट इज योर एच न्यू, यू नो अभी बड़ा अगर न्यू फ्रिक्वेंसी का फोटोन है, राइट, इसकी एच न्यू, और इसका आपका मोमेंटम आपको पता क्या होता है, मोमेंटम आपको पता क्या होता है, ई वाई सी, राइट। तो एच न्यू वाई सी हो जाएगा। तो इसका मोमेंटम अगर हम इसको पी एच से लिखें ताकि आपको पता लगता रहे, पी एच और आई, यहाँ पे इनिशियल, राइट, यहाँ पे आपका हो गया एच न्यू वाई सी, ये फोटोन का इनिशियल एनर्जी हो गया, इनिशियल मोमेंटम होगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू कंजर्व दिस थिंग, तो वी शुड नो व्हाट इज द इनिशियल एनर्जी, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो है हमारा अभी रेस्ट पे है, राइट, देखो ध्यान रखो, इलेक्ट्रॉन हम हमारा किस पे है स्टूडेंट्स, रेस्ट पे है, ठीक है। अब रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली इसका जो मोमेंटम होगा दैट विल बी जीरो, बिकॉज रेस्ट पे, बट यहाँ पे एक इसकी एक रेस्ट मास काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो सकती है, बट इस पे पास एक रेस्ट मास एनर्जी होगी दैट इज इक्वल टू ई एम नॉट सी स्क्वायर, राइट। ये हो गया आपका इसका इनिशियल एनर्जी, इसका इनिशियल मोमेंटम, फोटोन का इनिशियल एनर्जी, फोटोन का इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल हम मान लेते हैं कि फाइनल जो है इलेक्ट्रॉन का एनर्जी आपका ये है, ई माना था तो हमने ई डैश ले लिया, और यहाँ पे आपका फोटोन जो है ये है, ये हम देखते हैं कंजर्वेशन लॉ से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। चलो तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कंजर्वेशन और मोमेंटम अप्लाई करते हैं अपन, सी ओ एम, राइट। एक सी ओ एम सेंटर ऑफ मास मत समझना, दिस इज योर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। चलो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम आपका जो है, सॉरी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑब्जर्व कर लिया ना उसने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आप देखो फाइनल मोमेंटम आपका क्या है आफ्टर कोलिजन, पी डैश है, और इनिशियल मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ फोटॉन, तो ये हो जाएगा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोमेंटम ऑफ फोटॉन इनिशियली, राइट। अब मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हमारा जीरो है, इसको बेटा जीरो कर दो बिकॉज ये जीरो है, तो ये पी फाइनल किसके बराबर हो जाएगा, पी फोटॉन, और वो कितना है एच न्यू वाई सी, दैट इज योर एच न्यू वाई सी, राइट। ये चीज हो गई आपकी क्लियर, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन, ध्यान से समझो। अब हम बात करते हैं इस पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं स्टूडेंट्स, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाने की कोशिश करते हैं। फाइनल एनर्जी हमारी क्या है दिस, राइट, इलेक्ट्रॉन उसने एब्जॉर्ब कर लिया, हमने ऐसा माना, राइट, और इनिशियल एनर्जी, एनर्जी ऑफ फोटॉन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस ये कितनी है आपकी एच न्यू, दिस इज योर एच न्यू, राइट, दिस इज योर एच न्यू एंड दिस इज योर एम नॉट सी स्क्वायर, राइट, जो हमने आपको इनिशियली बताई थी। अब फाइनली क्या होगा, देखो हम अब फाइनल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं, रिलेटिविटी से रिलेटिविस्टिक एनर्जी आएगी, बिकॉज रिलेटिविटी में एक एनर्जी का रिलेशन दिया जाता है, पार्टिकल का रेस्ट मास एनर्जी और उसके पार्टिकल के मोमेंटम के साथ एक रिलेशन होता है, दैट इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी, राइट। अभी मूव कर रहा है तो आपकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, अगर आपको पता हो तो ये होती है, हमने फाइनल मोमेंटम लेंगे यहाँ पे, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस
एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 राइट, ई होती है। तो हम इस ई डैश लिया है ना, हाँ ये आपकी, तो इसकी जगह पे हम ई पुट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपन, ठीक है, ध्यान से। तो ये आपका आ गया रूट फाइनल मोमेंटम पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, और इधर हमारा था एच न्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं स्टूडेंट्स, अगर मैं बोथ साइड स्क्वायरिंग करूं तो अपन को क्या मिलने वाला है, सी स्क्वायर सी की पावर 4। इधर भी स्क्वायरिंग की है तो एच न्यू ए इज इक्वल टू आएगा यहाँ पे, इधर भी हमने स्क्वायरिंग करी है तो इसका स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट प्लस 2ab, तो 2 एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर राइट। चलो ये चीज आ गई आपके पास। अब हम ये पी डैश की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से निकाल के, ये जो फर्स्ट इक्वेशन में आई थी पी डैश की वैल्यू अपनी क्या आई है स्टूडेंट्स, एच न्यू बाई सी है ना भाई, एच न्यू बाई सी आई है सिंपली। इस इक्वेशन से पी डैश की वैल्यू अपन वहां पे पुट कर सकते हैं सिंपली। अगर मैं वहां पे पुट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये पी डैश सी स्क्वायर है राइट। यहाँ पे आपका होना चाहिए पी स्क्वायर सी स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, तो ये पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, हाँ वही तो पी स्क्वायर सी स्क्वायर है, वही मैं कहूँ। हमें ऐसे निकालेंगे तो P था H न्यू वाई सी, तो P स्क्वायर हो जाएगा H स्क्वायर न्यू स्क्वायर वाई सी स्क्वायर राइट, H स्क्वायर न्यू स्क्वायर वाई सी स्क्वायर, और आपका ये C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C की पावर 4 इज इक्वल टू H नॉट स्क्वायर। तो कितना बढ़िया मस्त तरीके से चीजें आपकी आएंगी, अभी देखना मजा आने वाला है, बहुत मस्त मजा आने वाला है, अभी देखो कैसे चीजें उड़ती हैं। ये हो गया, अब देख भाई मजे, कलर चेंज करता हूं, अब देख कितनी मस्त की चीज है, ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर उड़ेगा, एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 से एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 उड़ेगा, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर से एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर उड़ेगा, बचा क्या 2 एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, बचा क्या 2 एच न्यू एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आया। क्या ये चीज पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एम नॉट कैन नॉट बी 0 राइट, रेस्पॉन्स एनर्जी कैन नॉट बी 0 बिकॉज न्यू ऑफ फोटॉन कैन नॉट बी 0, फ्रीक्वेंसी कैन नॉट बी 0, क्यों, अगर ऐसा है दैट मींस फोटोन डजंट एग्जिस्ट, फोटोन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अगर आपका न्यू जीरो है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी भी जीरो नहीं हो सके, एम नॉट भी जीरो नहीं है, वो भी आपका जीरो नहीं हो सकता, दैट मींस ये पॉसिबल नहीं है, तो भाई वायलेशन हो गया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, हमने जो चीज मानी थी उसका एक वो हो गया, वायलेशन हो गया, इसका मतलब जो चीज मानी थी वो पॉसिबल है ही नहीं, वो प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं, आपका फ्री इलेक्ट्रॉन फोटोन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, ये चीज हमेशा ध्यान में, बिकॉज यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लॉस आपके होल्ड नहीं कर रहे हैं, कंजर्वेशन लॉस को होल्ड करना चाहिए, बिकॉज हम उन पे डाउट नहीं कर सकते राइट, हमने जो चीज मानी उससे कंजर्वेशन लॉ होल्ड नहीं किया, दैट मींस वो प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है, सिंपल इतना सा था। तो अभी आपको समझ में आया होगा कि व्हाई फ्री इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एब्जॉर्ब फोटॉन, कर सकता है ऐसा नहीं है, बट बाउंड होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, बाउंड इलेक्ट्रॉन आपका कर सकता है, बिकॉज उस सिनेरियो में क्या होगा, बेसिकली ये प्रोसेस आपकी तभी फॉलो मानी जाएगी जब आपके कंजर्वेशन लॉ होल्ड करेंगे, तो जब बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा, जो एटम से बाउंड होगा, वहां पे कुछ ना कुछ आसपास उसका न्यूक्लियस वगैरह होगा, तो कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन होगा, और वहां पे क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व कराने की कोशिश हो जाएगी, और आपके दोनों चीजें कंजर्व हो जाएंगी उस सिनेरियो में, बट फ्री इलेक्ट्रॉन के केस में आप ये कंजर्व नहीं हो रहा है, दैट मींस फ्री इलेक्ट्रॉन फोटॉन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, और आपका यहाँ से चीज क्लियर हो गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर करें मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ, मैक्सिमम दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चले, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं क्वांटम इफेक्ट के टाइम की, सर ये इलेक्ट्रॉन ने फोटॉन को एब्जॉर्ब क्यों नहीं कर लिया, तो इसलिए नहीं कर पाता एब्जॉर्ब राइट। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बाकी मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी, मजा आया, और ऐसे ऐसे छोटे छोटे आपको सही है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।